नमस्कार, मैं कुंदन पांडे मोंगाबे हिंदी से। आजकल जैविक खेती की काफी चर्चा है। पिछले बजट में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बजट भाषण में इसको शामिल किया। हाल में हमने देखा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी मुश्किल में है और इल्जाम के तौर पर कुछ न कुछ जैविक खेती के हिस्से पे भी आता है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी के बयान की बात आती है तो उसमें उन्होंने कहा था कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुछ इसी तरह का स्कीम बिहार सरकार चला रही है पिछले 2 साल से। मोंगाबे हिंदी के लिए हमारे साथी उमेश जी ने कई जिलों की यात्रा की और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की योजना क्या है। उमेश जी, जी नमस्कार कुंदन जी। तो बिहार की जो योजना है वो है कि जैविक कॉरिडोर योजना। अब इसमें 13 जिले शामिल है जो कि गंगा से सटे हुए हैं, जिसमें नालंदा है, आपके पटना है, मुजफ्फर समस्तीपुर है, वैशाली है, बेगूसराय है और तमाम जिले हैं। तो इसमें जैविक खेती की जानी है, इसको जैविक कॉरिडोर के तौर पे विकसित किया जाना है। अब ये गंगा को क्यों चुना है ये बिहार सरकार ने भी साफ नहीं किया है, लेकिन उनका है कि भाई गंगा के किनारे हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो पूरे अनुदेश डॉक्यूमेंट देंगे तो कहीं भी गंगा के किनारे करने के पीछे तर्क कुछ नहीं है सरकार का। तो एक तो ये बात। अब इसमें इसके तहत क्या हो रहा है कि जो अभी जो जो शुरू हुई है 2 साल पहले, उसमें जो मोटा मोटी तौर पर ये योजना ये है कि मतलब एक किसान संगठन बनाना है। हर जहाँ पे क्लस्टर बनने की ये बात है वहाँ पे कम से कम 25 किसानों का एक संगठन बनेगा और उसमें कम से कम 25 एकड़ का जो एक एक प्लॉट लेना होगा जिसको एक जैविक कॉरिडोर का वो हिस्सा होगा। और सरकार की योजना है कि इसमें प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 1 एकड़ पे 11,500 रुपये सालाना अनुदान देती है और ये अधिकतम 2 एकड़ पे देती है और 3 साल के लिए, और उसके बाद सरकार ये सब्सिडी जो है अनुदान जो है सो बंद कर देगी। तो मोटा मोटी ये स्कीम है सरकार की जैविक कॉरिडोर योजना के तहत। आपने कई जिलों की यात्रा की है अपने रिपोर्ट लिखने के लिए, तो आपको क्या लगा ये पिछले 2 साल के अनुभव के आधार पे, और किसान क्या बता रहे हैं, ये योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए ये जो योजना है इसमें जो मोटे तौर पर जो जो जमीन के मुझे दिखा वो ये कि जो सरकार किसी तरीके से चाहती थी कि एक योजना लॉन्च कर दो और उसकी एक वाहवाही लूट लो। जमीन पे क्या हो रहा है उसके बारे में सरकारी अधिकारी को इसका अंदाजा है और न वो लोग जमीन पे जाते हैं। जो कि कई जो मैंने 2-3 जिलों का दौरा किया तो वहाँ पे जो किसान संगठन है उनका कहना था कि भाई कभी सरकारी कोई अधिकारी आकर कोई ट्रेनिंग नहीं देता है, जबकि जैविक क्षेत्र में ट्रेनिंग बहुत बहुत अहम चीज़ है कि आपको समय समय पर बताना है कि भाई कौन सा आप कौन सी खाद डालेंगे तो वो आपकी कीटनाशक का काम करेगा, किस तरह की चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपकी खेती अच्छी होगी, लेकिन इसको लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं है। और कई किसान संगठनों ने तो ये भी कहा है कि भाई एक बार जब से शुरू हुई है जैविक कॉरिडोर योजना तब से एक बार भी किसी तरह की एक ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो सबसे हैरान करने वाली बात है। और किसानों का जो कहना है कि भाई उनको प्रोडक्ट का वो जो उपज है वो पहले की तुलना में काफी कम हो गया है, इसके लिए कोई मार्केट नहीं है। और कई बार ये भी हो रहा है कि वो जो उपजा रहे हैं तो उसको जाहिर तौर पर उनको फिर ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन मार्केट में वो जो रासायनिक खेती से जो उत्पाद हो रहा है और उसको जो दोनों को समान दाम ही मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों में एक निराशा भी है। और कई सारे जो किसान संगठनों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि उनके संगठन के भीतर अगर 100 किसान जैविक खेती योजना में शामिल हैं तो उनमें वास्तविक तौर पे 10%, 15%, 20% किसान ही जैविक खेती कर रहे हैं। बाकी किसान जो है तो अनुदान तो ले रहे हैं मगर वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे दिखा वहां पे बहुत सारे किसानों ने, कई कई किसानों ने नाम नहीं बताने की शर्त पे कहा जो हम लोग शामिल नहीं कर पाए। बहुत सारे किसानों ने कहा कि नाम अच्छा पिएगा अनुदान बंद हो सकता है हमारा या हम पर कार्रवाई हो सकती है, इस वजह से उन लोगों ने नाम नहीं जाहिर किया लेकिन उन्होंने बताया समस्या। आपने अपनी बात में दो दो चीजों पे टिप्पणी की। एक तो कि किसानों का जो जैविक खेती में लगे हैं उनका उत्पाद कम हुआ है, और दूसरा आपने बताया कि उनको बाजार का एक्सेस नहीं है। इन दो बातों को थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे, हो सके तो उदाहरण के साथ।
एक तो जैसे कि इसमें जैविक में होता है, जैसे कि हम कई जगह हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जैविक में ये होता है कि शुरुआती दौर में आपको उपज कम होगी, अनलेस और अंतिल की आपको एक सही तरीका मालूम हो कि भाई किस तरह के फर्टिलाइजर आपको यूज करना है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, किस तरह के खाद आपको यूज करना है। तो अगर उसमें अगर आप देखेंगे कि उस तरह की अगर ट्रेनिंग हो तो थोड़ा सा वो मैनेज कर सकते हैं, जो उस लेवल पर तक ले जा सकते हैं प्रोडक्शन को। लेकिन जैसे कि कई किसानों का ये कहना 50% तक कम हो जा रहा है उनका उत्पादन। लाइक अगर कहीं पे अगर एक एकड़ में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर 1 क्विंटल गेहूँ पहले होता था तो वहाँ पे 50 किलो हो रहा है, ये 60 किलो हो रहा है। तो ये अंतर है। अब इसमें एक एक जो मुझे समझ में आया और किसानों से बात करके, तो बड़ी समस्या ये कि जो ट्रेनिंग उन लोगों की नहीं है, उन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे हम किस तरह के उत्पाद अच्छे तरीके से जैविक में ले सकते हैं। तो वो गेहूँ की खेती भी कर रहे हैं, मक्के की भी खेती कर रहे हैं जैविक तरीके से, सब्जी भी उगा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो उत्पादन में ये हमको 50% से बताया कि 50% तक कम हो गया है प्रोडक्शन उनका। एक तो ये है। दूसरी मार्केट की बात ये है कि जो बाज़ार कहीं ऑर्गेनिक का कोई अलग से कोई बाज़ार नहीं है, और जो हमारा जो इस देश का या फिर उनका बिहार के जो आम लोग हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि भाई सस्ती सब्जी मिल जाए उनको, सस्ते दाम में सब कुछ मिल जाए। तो जब सस्ते दाम के वो आदि हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो महंगे उत्पाद नहीं खरीदेंगे, सब्जियाँ हो चाहे अनाज हो। और जैविक वाले में वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा दाम मिले, और क्योंकि मार्केट नहीं, और मार्केट की बात तो खैर सरकार भी मान रही है कि जो उनके पास मार्केट का एक स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे किसान जाके ऑर्गेनिक वाले अपने उत्पाद बेच सके, तो वो जनरल मार्केट में जाते हैं या लोकल दुकानदारों से पूछते हैं कि भाई हमारा ये है, आप गेहूँ ले लो, हमारा चावल ले लो या धान ले लो, सब्जियाँ ले लो, जो सब्जी का जो सामान्य जो मंडियाँ होती है वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे उनको कोई अगर कहेगा जो ऑर्गेनिक है तो वो कैसे वो समझेंगे, वो उनको लगेगा भाई हमको सस्ते में चीज़ जो सस्ता मिलेगा हम वो लेंगे। तो जाहिर तौर पर उनको भी उसी दाम पर बेचना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट अलग से कोई मार्केट नहीं, तो आइडेंटिफाई करें कि भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये केमिकल फर्टिलाइजर से यूज किया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें मुझे दिखी। एक मानना ये भी है कि किसान चूंकि शुरुआती दिनों में जब ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी आमदनी कम होगी, वो उपज के संदर्भ में हो या बाजार के नहीं होने के संदर्भ में देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने क्या ऐसा कोई प्रावधान रखा है आर्थिक मदद देने का, और क्या किसान उससे खुश है? किसानों की राय क्या है उस व्यवस्था के बारे में? देखिए, एक सरकार की तरफ से जो एक अनुदान मिल रहा है वो सिर्फ वो है कि एक एकड़ पे 11,500 रुपये सालाना है, वो एक अनुदान मिल रहा है, वो 3 वर्षों तक मिलेगा, जब से स्कीम शुरू है तब से लेकर 3 वर्षों तक मिलेगा। और वो अधिकतम 2 एकड़ पे किसान ले सकता है, अगर वो 10 एकड़ में कर रहा है तब उसको 2 एकड़ का ही अनुदान मिलेगा, वो भी सालाना है। जबकि आप देखें तो एक किसान अपने खेत में कम से कम 2 सीजन में तो फसल लेता है, रबी और खरीफ में, जबकि अनुदान सिर्फ 1 सीजन का मिल रहा है, एक मुश्त 11,500, वो भी किसानों के कहने की काफ़ी कम है। उनका दोगुना खर्च हो रहा है, उनका अगर एक एकड़ में अगर वो खेती करें तो उनको लगभग 22,000-25,000 के करीब खर्च हो रहा है, जबकि उनको अनुदान मिला सिर्फ 11,500। लेकिन तब भी और उपज, और उनका ये भी कहना है कि जो उत्पादन खर्च भी उनका ज़्यादा हो जा रहा है मगर मार्केट से वो प्राइस नहीं मिल रहा है। तो अनुदान के तौर पर सरकार सिर्फ ये दे रही है कि भाई आपको सालाना 11,500 देगी, इसके 3 साल बाद, उसके बाद वो छोड़ देगी, उसके बाद आप अपने ऊपर है, आप जैसे भी आप बेचे चाहे जो भी करें। तो मार्केट को लेके जो मार्केट में आपकी एक्सेस नहीं है, आपको उत्पाद का ज्यादा दाम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कोई अनुदान सरकार का फिलहाल नहीं है। आपने अपनी स्टोरी के लिए कई विशेषज्ञों से भी बात की है और उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों का उदाहरण देके समझाया भी है, आपको क्या लगता है, मतलब उनकी बात के आधार पे आप बिहार के मॉडल को अन्य मॉडल की तुलना में कैसे देखते हैं और क्या रास्ता सुझाते? देखिए, जो मैंने बात की एक्सपर्ट से वो है कविता कुरुवंती, जिनका कि जैविक खेती पर बहुत काम है और बहुत सारे नेशनल मीडिया उनको कोट करते रहते हैं इस मुद्दे पर। तो जब उनसे मैंने बात की, उनको बताया कि बिहार सरकार की ये स्कीम चल रही है जैविक खेती के लिए और इसमें ये अनुदान मिल रहा है और इस तरीके से सारा चीज़ हो रहा है, तो उनका पहला एक ये कहना था कि जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं उससे मुझे ये लगता है कि जो ये सरकार की पुरानी जो योजना है उसी को बिहार सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और उन्होंने साउथ का उदाहरण दिया कि वहाँ पे जब किसानों वहाँ के किसान जैविक खेती कर रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि वहाँ किसान अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं जैविक खेती करके, और वहाँ पे जो हुआ है उनका जो कहना था कि जो वहाँ पे जैविक खेती में अनुदान का सिस्टम नहीं दिया गया, उनको ये कहा गया था आप ट्रेनिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई उनको,
कैसे आप क्या उपजाना है जिनको कि मार्केट में ज्यादा दाम मिल जाए, सामान्य मार्केट में भी, और उनको लागत खर्च कम हो। तो ये कई सारी चीजें उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि जो अनुदान वाला सिस्टम जो है कि आपको प्रलोभन एक तरह से हो गया, उनका ये भी कहना था। और उनको उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये योजना फेल हो सकती है बिहार में। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक तो आप किसानों को 11,500 का प्रलोभन दे रहे हैं, जिससे कि कुछ किसान तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अब वो जब तक अनुदान है तब तक वो जुड़े रहेंगे, बाकी उसके बाद छोड़ देंगे वो। तो एक तो ये बताया कि ये गड़बड़ी है सरकार करते। दूसरी जो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई ट्रेनिंग की जरूरत, कि ट्रेनिंग बिल्कुल जो है सो काफी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। रोज कम से कम किसानों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि भाई इस मौसम में क्या आप उगा सकते हैं जो कम खर्च में और कम खाद में अच्छा उपज जाएगा। तो ये वाला पार्ट मिसिंग था, जिस पर बहुत जोर था। तो मार्केट लिंकेज की उन्होंने बात की, जो भाई मार्केट भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, उनका कहना था इसमें सबसे बड़े मार्केट का भी, अगर आप मार्केट कोलैप्स कर जाएगा तो किसान बैक कर जाएगा। तो मार्केट का भी प्रलोभन, उनका कहना था कि मार्केट का प्रलोभन भी नहीं मिलना चाहिए किसानों को, बल्कि आप किसानों को प्रोत्साहित करिए कि भाई कैसे वो, उनको लगना चाहिए कि भाई वो प्रॉफिटेबल है उसके लिए, उनके लिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये चीज़ बिहार में जो मिसिंग लगी। अब समस्तीपुर का भी मैंने उदाहरण दिया है अपनी स्टोरी में कि उसको एक पहला जैविक गाँव के तौर पर उसको कहा जाता है, कि बिहार का जो श्रीचंदपुर गाँव है, तो वहाँ पे 2017 में कुछ शोधकर्ता वहाँ गए थे यूनिवर्सिटी से, एक तो बंगाल का एक यूनिवर्सिटी था और बिहार का, तो वो गए थे वहाँ पे 100 किसानों से उन्होंने बात की थी, जो जैविक गांव जिसे कहा जाता था। तो उन 100 किसानों से बातचीत में यही सारी चीज़ें सामने निकल के आई कि उत्पादन कम हो रहा है, उनको मार्केट नहीं है, उनसे नुकसान बहुत, मतलब जो कीड़ों से और मौसमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो जो किसान, जो मेरी बातचीत में किसानों ने जो समस्या बताई, लगभग 90% तो समस्या, मतलब तो वो पुरानी समस्या ही है, जो समस्तीपुर के जो किसान, जो शोधकर्ताओं को जो बताया था किसानों ने। तो ये एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि इसको अगर थोड़ा सा अपनाया जा सकता है। शुक्रिया उमेश, आपने शानदार स्टोरी भी लिखी है, और मैं अपने पाठकों से आग्रह करूंगा कि इनकी स्टोरी पढ़ने के लिए मोंगा बे की वेबसाइट पर आएं और देखें। और ये स्टोरी इस मामले में भी अहम है, क्योंकि केंद्र सरकार भी कुछ ऐसी ही योजना लेकर आ रही है, तो अगर इन इन खामियों को सही नहीं किया गया तो पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार की योजना भी इससे प्रभावित होगी। तो उमेश जी, आपका शुक्रिया समय देने के लिए, आभार।